ये कौन सा टोटका है? सब आज मुझसे बोल रही है कि मुझे आज इसका डायपर चेंज करना है, तो देखते हैं मुझसे होता है कि नहीं। सो गाइज, मैंने वीडियो के लिए और व्लॉगिंग के लिए गूगल पिक्सल 7 प्रो मंगाया था, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। हम लोग जंगल से होते हुए जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट है, ऐसे उधर से भी रास्ता था उधर से घूम के, है ना ये समीर? सो गाइज, ये हमारी अम्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम आपका हमारे न्यू व्लॉग में। सो आज है संडे, सुबह का 9:15 हो गया है, मैं उठ चुका हूँ, लेकिन फाजिल अभी सोया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्या सीन होता है। मेरे फ्रेंड ने कहा है कि आज रबर डैम जाना है। हमारे घर के पास में एक डैम बना है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, तो आज हम वहाँ जाएंगे। और शबा भी उठ गई है, ब्रश कर रही है। अरे देखिए, आयरा आ गई है सुबह सुबह। सुबह सुबह उठकर हमें परेशान करने आ जाती है। क्या कर रही है ऊपर? क्या कर रही है ऊपर? छत पे कोई नहीं है, तुम क्या कर रही है अकेले? किसको खोजने आई थी? दादी को? इधर देखो, ये भतीजी है हमारी। गर्म पानी पी रही है सुबह सुबह, लेकिन मुझे नहीं दे रही है। मैं भी पी लेता हूँ, इसमें है गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। सो गाइस, ये हमारी अम्मी, ये भी गर्म पानी पी रही है और मैं भी पी रहा हूँ। सो गाइस, ये देखिए, अम्मी कपल आई हैं, अम्मी कहीं जा रही हैं, तो वहाँ कुछ देना है, तो एक कपड़ा देना है, तो ये मुझे दिखाने के लाई हैं कि कैसा है, और अच्छा कपड़ा है ये। सो गाइस, फाजिल भी उड़ गया है, देख सकते हैं, और अभी इसका मालिश हो रहा है। ये कौन सा टोटका है? कौन सा टोटका है ये? मालिश करने के बाद करना ज़रूरी है? इससे क्या होता है? अच्छा, इसका दांत जो है ना आसानी से आएगा। इसके लिए क्या क्या टोटका करना पड़ता है? आसानी से आएगा ना फाजिल? सब आज मुझसे बोल रही है कि मुझे आज इसका डायपर चेंज करना है, तो देखते हैं मुझसे होता है कि नहीं। तो देखते हैं ट्राई करके। इससे यहाँ से खोलते हैं ना? हाँ तो बोलो। पैर पकड़ लीजिए, वरना पैर में लगा लेगा। पैर पकड़ ले, इसको ऐसे उठाना है नीचे की तरफ। नीचे करिए। हाँ, पोछिए उस डायपर से, डायपर से ही पोछिए। कैसे करती हो सफाई? अबे ऐसे कर, ये आगे रहता है। हाँ। और ये पीछे, बैक बैक, यानी कि ऐसे करना नीचे से। हाथ डालिए बाहर से, वो पहले हाथ अंदर, और उसका एक पैर लीजिए ऐसे, फिर ऐसे एक पैर लेना है। अरे ओ गया, मैंने आ ही दिया खेल। थोड़ा सा देख लो, तुम सेट कर लो। सबा पैंट पहना रही है अब, ये रोने भी लगा, बहुत कम देर बर्दाश्त करता है ये। चुप हो जाओ। सो गाइस, अब तैयार ये हो गया है, देख सकते हैं पूरा तैयार हो गया है। अब ये नीचे जाएगा और सबा काम करेगी, यानी कि नाश्ता बनाएगी। अब ये जा रही है, बाय फाजिल। सो गाइस, अब मैं भी ब्रश करके फटाफट तैयार हो जाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ। सो गाइस, फाजिल का डायपर भी ख़त्म हो गया है। इसका डायपर 3 तारीख को ही फ्लिपकार्ट से आने वाला था, लेकिन आज 4 तारीख हो गया है, वो अभी तक नहीं आया है। अभी देख सकते हैं सिर्फ एक ही डायपर बच रहा है। अगर आज डायपर नहीं आता है तो मुझे बहुत ही बात सुनना पड़ेगा, सबा बहुत मुझे बोलेगी। तो खैर, देखते हैं आज डायपर आता है या नहीं। ये मैंने बड़ा पैक मंगाया था, और अब भी मैं जो मंगा रहा हूँ वो बड़ा पैक ही मंगा रहा हूँ, ताकि वो लंबे दिन तक चल सके। सो गाइस, 10 बज चुका है, अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज लिट्टी बना है, तो बिहार में लिट्टी वैसे बहुत ही फेमस है, तो आपको लिट्टी कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, ये है मेरा एक छोटा सा सेटअप जहाँ मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जहां मैं आपको टेक रिलेटेड चीज़ें बताता हूं, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक बताता हूं। अगर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मुझे इसमें झाड़ू देना है, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह इसे खोला हूं। तो चलिए फटाफट हम झाड़ू दे लेते हैं। तो अभी मुझे अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड करना है, तो फटाफट मैं उसे निपटा लेता हूँ। सबा, इसको भूख लगा हुआ है, जल्दी पिलाओ। ये देखिए, सबा काम कर रही है, और ये फाजिल जो है भूखा है, और काफ़ी ज़्यादा अभी रो रहा था, अभी तो थोड़ा चुप हुआ है। सो गाइज, मैंने वीडियो के लिए और व्लॉगिंग के लिए गूगल पिक्सल 7 प्रो मंगाया था, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। कांड ये हुआ है कि जो ये मुझे पैकेज मिला था वो टेम्पर्ड था, वो खुला हुआ था, तो मैंने इसके लिए रिटर्न प्लेस किया, लेकिन फ्लिपकार्ट इसे नहीं ले गया है, और मुझे इसका रिफ़ंड भी आ गया है, और ऐसा होने में मुझे 2 महीने का टाइम लग गया है।
आप मुझे कमेंट करके ये बताएं क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको प्रोडक्ट का रिटर्न मिल गया है, रिफंड मिल गया है, लेकिन प्रोडक्ट रिटर्न नहीं गया है। तो अगर ऐसा हुआ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसका चार्जर भी मंगा लिया है। अब मुझे ये देखना है कि फ्लिपकार्ट इसे लेने आता है या नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि फ़्लिपकार्ट इसे लेकर भी जाएगा, क्योंकि मुझे रिफ़ंड तो मिल गया है और प्रोडक्ट अभी तक मेरे पास है। अभी एक महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर फ़्लिपकार्ट आता है तो मैं उसे दे दूंगा, अगर नहीं आता है तो मुझे इसे रखना ही पड़ेगा। ये देखिए, नहा धोकर रेडी है। क्या कर रहा है, कैसा लगा नहाने में? सो गाइस, अचानक हम लोग जा रहे हैं अभी शॉप देखने। अभी हम लोग को साइबर कैफे खोलना है, ठीक है। तो जा रहे हैं हम लोग देखने हैं उस शॉप को कि वो शॉप का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग गाड़ी पे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। चलिए, काम हो रहा होगा यार, कहीं हो आप दिखा रहा हो। सो गाइस, यही वो दुकान है जिसे लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। ये अंदर देख सकते हैं अभी बंद है। ये पहले यहाँ लगता साइबर कैफे ही था, है ना अफजल? जी हाँ, साइबर कैफे था इसमें। बाबा साइबर कैफे। लोकेशन जैसा कि देख पा रहे हैं अफजल, लोकेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पास में ही, वहाँ पे पास में आप देख सकते हैं ये कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलेज है और इस कॉलेज के पास कैफे ये काफ़ी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे लेने के लिए। सो गाइस, हम लोग शॉप वगैरह देख लिए हैं, लेकिन अभी मालिक से बात नहीं हुआ है कितना पैसा देना है, क्या करना है। बहुत जल्दी हम लोग मालिक से भी बात कर लेंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं सब्जी मंडी, वहाँ से कुछ फल लेंगे, ठीक है। खाने के लिए हम लोग को फल लेना है, तो चलिए अब मंडी चलते हैं। सो गाइस, सब्जी मंडी हम आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी हमें जो लेना है फटाफट ले लेते हैं। सौ में दो किलो। सो गाइस, फाइनली हमें जो लेना था ले लिए हैं। सेब लिए हैं, संतरा लिए हैं, और क्या लिए अफजल? अनार लिया है और पपीता लिया है। पपीता। सो गाइस, घर पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं फाजिल अभी सोया हुआ है, खेल रहा है, ठीक है। और अब मैं चला खाना खाने, मेरा खाना भी आ गया है। देखिए, सभा भी बैठ गई है खाने के लिए और फाजिल वहाँ पे लेटा हुआ है। तो आज क्या बना है सभा? मछली, ठीक है। मछली मुझे काफी अच्छा लगता है और संडे को मैं घर पे मछली ही बनवाता हूँ। कैसा लग रहा है सभा? मैंने बनाया मछली? नहीं, मैंने नहीं बनाया, सभा ही बनाई है। सो गाइस, फाजिल का डायपर आ गया है, तो मैं डायपर लाने जा रहा हूँ। ओटीपी बताना है, भेजिए। एक सेकंड बताइए, सुबह से अभी कर रहे हैं 190-585। 190-585 हो गया ना। सो गाइस, ये रहा फाजिल का डायपर, इसमें टोटल 168 पीस है, ये काफी दिन तक चल जाएगा। सो गाइस, शाम के 5 बज गए हैं, अभी समीर और अफजल का कॉल आया था। अभी हम लोग जाने वाले हैं रबर डैम। हमारे घर के पास में ही एक डैम बना है, ठीक है। वो काफी दिन पहले बना है लेकिन मैं वहाँ नहीं गया हूँ, और सारे फ्रेंड्स कह रहे थे काफ़ी अच्छा जगह है, तो सोचे कि चलो हम लोग चलते हैं, आज संडे भी है तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये है अफजल। अफजल का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है, लेकिन समीर का नहीं दिया है। ये है समीर, ये भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जैसा अफजल है वैसा ही समीर है, ठीक है। तो हम लोग तीनों जा रहे हैं डैम और देखते हैं कैसा है। सो गाइस, आ गए हम लोग डैम के पास, लेकिन अभी बहुत दूर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यही है वो। तो चलिए ना नज़दीक चलते हैं। हम लोग जंगल से होते हुए जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट है, ऐसे उधर से भी रास्ता था उधर से घूम के, है ना ये समीर? लेकिन दूर पड़ता उधर से, तो इसलिए हम लोग इधर से नदी साइड से ही आ गए ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। तो गाइस, और भी हम नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, बस इधर से हम लोग को जाना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि संडे है तो इसीलिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये है रबर डैम, देख सकते हैं कितना लंबा है। हम लोग अभी इसके अंदर भी जाएंगे, ठीक है। इधर अफजल समीर खड़ा है और देख सकते हैं लिखा हुआ है गया जी डैम जल संसाधन विभाग बिहार। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, देखिए पीछे कितना पानी है। तो गाइस, अब हम ऊपर जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। ये अंदर देख रहे हैं, बहुत लग रहा है। तो गाइस, देख सकते हैं हम लोग बीच में आ गए हैं।
सो गाइस अभी हम लोग डैम के बिल्कुल उधर जा रहे हैं, ब्रिज के एकदम एंड पॉइंट पे जाएंगे। तो अफजल समीर आगे है, काफ़ी अच्छा बना है ऐसे। डैम के दोनों साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, पूरा पानी है यहाँ पे, पूरा पानी है। ठीक है, अबे वीडियो है ये। अफजल सोच रहा है कि मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ जबकि ये वीडियो है। अफजल को सिर्फ सेल्फी खींचना है क्योंकि इसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेजना रहता है। समीर को भी नहीं, समीर को नहीं, इसको समीर की गर्लफ्रेंड अभी नहीं है लेकिन अफजल का है। समीर का ब्रेकअप हो गया और इसका अभी अभी तुरंत जुटा है, इसका भी ब्रेकअप हो जाएगा, दुआ करिए। तो गाइज हम लोग ब्रिज के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत भीड़ है, और ये अफजल समीर, और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है गया जी डैम। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस थोड़ा छोटा लग रहा है, उधर स्पेस ज़्यादा बड़ा था। यही है रबर, क्या चाहिए, ये रबर है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम रबर डैम रखा गया है ना। मतलब क्या करे, क्या क्या करता है वो, विष्णुपट टेम्पल। जूम होगा लेकिन सही नहीं होगा, अभी थोड़ा सा नाइट है ना, रात है, तो इसीलिए आपको वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा होगा। हम लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, एंड पॉइंट पे यहाँ आ गए। ठीक है, बहुत लंबा है, कितना लंबा है ये पता भी नहीं मुझे, लेकिन हाँ लंबा बहुत है। तो गाइस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग एंड पॉइंट पे आ गए हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि इस पत्थर पे इस पुल का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी ने इसका ओपनिंग किया था। ठीक है, और यहाँ पे इस रबर डैम का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये रबर डैम 411 मीटर लंबा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि ये रबर ट्यूब के द्वारा बनाया गया है, और इस रबर ट्यूब की मदद से जो है पानी का भंडारण प्रभावी रूप से स्वचालित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइस अब हम लोग घर लौट रहे हैं, अफजल और समीर आगे है। तो गाइस हम लोग को अब थोड़ा भूख लग गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग खाएंगे। क्या खाना है अफजल? वही जंक फूड है, जंक फूड खाएगा ये, यानी कि फास्ट फूड हम लोग खाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ हम लोग खाएंगे। समीर अंदर गया है पूछने, ये है केसरी वेज कॉर्नर। अब यहाँ पे शादी का बात हो रहा है अफजल का, तो फाइनली गाइस काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा पासपोर्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब फटाफट हम लोग खाएंगे। सो गाइस अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, काफ़ी देर से घर से निकले हुए थे। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, अभी रात के 7:40 हो रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग को एडिट भी करना है, तो फटाफट मैं आज ही रात को 12 से 1 बजे के बीच में इसे एडिट कर लूँगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।